जो आ, कल से आप लॉन्डिंग में हम लोग का टी विजिट कर रहे हैं उसका विजिट का मेन क्या कैसे जो मैं तिराप सांगलांग लोंगडिंग को विजिट ये है क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट का और मेरा जो दूसरा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जितना भी डिस्ट्रिक्ट में क्या काम कर रहे हैं उसको मैं रिव्यू लेने के लिए हैं और स्पेशली हेल्थ सेक्टर को आगे कैसे आगे ले जाना है और इसमें कहाँ में फेलर है बहुत सा साक्रीज आता है असम्बली में और मैं भी सुन लेता है तो इसलिए मैं तीनों डिस्ट्रिक्ट को विजिट कर रहा है हमारा डिपार्टमेंट को कैसे आगे ले जाना है और पब्लिक को कैसे सर्विस दे सकता है इसी कारण से कुछ अपना से आग से देखने के लिए आए हमें तो सर आज से हम लोग का जो चेयरमैन मैडम ने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्रियल का है तो इस इशू को सर आप कब तक ये सॉल्व करेंगे सर मैं इसके लिए डिप्टी कमिश्नर साथ में है मैं उनका साथ भी बात किया है सुबह क्योंकि ये ऑलरेडी एवेंडन जो डेफलेटेड कंडीशन में था बोले उसको डीसी का पान से ही रिनोवेट करके ही इसको हम ये सोसाइटी को दिया गया है तो उसको अभी डिप्टी कमिश्नर साहब इटानगर में उसको कम्युनिकेट कुम्निक, करेगा तो हम लोग उसका बाद में ठीक कर देगा तो सर और, और ये जानना चाहूंगे सर जो यहाँ का इन लोग जो, जो रिकवरी होकर निकलते हैं तो उन लोग के लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ तो से कुछ स्कीम है क्या सर उन लोग के लिए उसका उसको अभी तक तो हम लोग ये नहीं है लेकिन उसके लिए भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो इन्वेट है सिर्फ ये नए है अदर जो कुछ ये में जाने वाला पार्टी को भी वापस आने से हम लोग उसको कुछ सुविधा देना है बल्कि हमारा हम गवर्नमेंट अभी काम कर करे है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा कान्डो का अंडर में तो हम सर लास्ट में ये भी जानना चाहूँगा सर हमारे टी सी एल में सिर्फ मेल ही नहीं सर वीमेन लोग भी सर इस इंट्री में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सर जैसे हम लोग का मैडम ने कहा कि इसमें जो बेड जो सब बेड की कमियाँ है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो, जो फीमेल के लिए सब प्रोविजन नहीं है तो उसके लिए आप क्या हाँ, करेंगे सा? उसके लिए भी हम लोग देख लें मैडम हमको इतानगर आके भी बताए हैं यह और मेल का भी बहुत ज़रूरी है और पेमेल का भी टेन बेड्स का जरूरी है बल्कि मैडम ने हमको बहुत पहले से इंटीमेट किया है उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे थैंक यू सबसे पहले तो हम आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे आपका ज़्यादा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए मेरा नाम संतुंग लोवांग बंसिया है और मैं चेयरपर्सन के आर्मी होम वेलफेयर सोसाइटी की हूँ जो कि क्या होम ड्रग एडिक्शन सेंटर हम लोग रन कर रहा है चर्जू में कब लोग कब से ये शुरू किया ये लास्ट ईयर जुलाई सेवेंटीन को इनोग्रेशन किया था हमारे हॉनरेबल एम एल यहाँ के टाउन के एम एल ए साबिन जी ने टू थाउंड जुलाई ट्वेंटी ना कुछ गवर्नमेंट का एनजीओ के सबसे हाँ वैसे हम लोग ये एन है एन को रन करने दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने ये ड्रग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर में है और हम लोग का जो एन है उसको सेलेक्ट किया है अरुणाचल में छः जगह में छः डिस्ट्रिक्ट में छः एन जी कर रहा है और वो एफिलेट है डिस्ट्रिक्ट सॉरी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ तो हम लोग का टाइप है एग्रीमेंट है तो अभी फिलहाल आप लोग का इस सेंटर में कितने है अभी, अभी एट प्रेजेंट हम लोग का टेन है और वेटिंग में भी है और पहले जो रिकवर्ड पेशेंट है वो थर्टी सिक्स हो गया थर्टी सिक्स जो रिकवर्ड होके निकल गया है और हम लोग फोर्टी फाइव डेज का हम लोग टर्म्स फोटी फाइव डेज़ का वो लोग का ये होता है आपका मीन्स एडमिट करना पड़ता है तो अपना फोर्टी फाइव डेज वो लोग रिकवर होने के बाद वो अपना जगह में वापस चला जाता है जो आपने कहा जो रिकवरी पेशेंट है उसको आप लोग किस तरह से फॉलोअप करते हैं वैसे हम लोग थ्रू फोन थ्रू फ़ोन से और वो लोग को कभी कभी हम लोग का जब अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग बस्ती बस्ती जाता है तो लाइक नशा मुक्त भारत अभियान जो है अभी डिस्ट्रिक्ट का वो भी हम लोग का एनजीओ को दिया है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उसको हम लोग बस्ती बस्ती में जाता है तो उसमें हम लोग ऐसे वॉल्टियर्स हम लोग का जो रिकवर्ड इनमेट्स है उनको हम लोग साथ में लेके जा रहा है तो हाँ हाँ जरूर जरूर ज़रूर हम लोग प्रॉब्लम तो ऐसे तो बहुत सारा है लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि इतना मैं ड्रग्स कानी कानी ड्रग्स लेना तो मामूली नहीं है नहीं। जब वो लोग ड्रग्स लेके आता है तो डिटॉक्स का समय में हम लोग को काफ़ी तकलीफ़ होता है इस्पेशली हम लोग का जो स्टाफ है और हम सभी को तो उसमें फिर भी हम लोग जैसे करके भी हम लोग उनको इसमें लेके आता है स्ट्रीम में लाता है और वो तो है हम लोग का तकलीफ है प्लस हम लोग का जो अभी जैसा कि मेडिसिन तो हम लोग को दे रहा है ठीक है और हम लोग का जो आ, फूडिंग का है वो भी ईटानगर से हम लोग को सप्लाई दे रहा है और हम लोग का जैसा स्टाफ है कोई कोई स्टाफ एलोटेड पोस्ट है वो जो कि ईटानगर से हम लोग का हेल्थ डिपार्टमेंट से एलोटेड है और कोई 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 जो है कि एलोटेड नहीं है उसको हम अपना एनजीओ से बी कर रहा है और वैसे तकलीफ चैलेंजेस बहुत हैं क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है जैसा कि एक हम लोग को एक एनजीओ जी करना है और वो एनजीओ भी हम लोग का जो कि हम लोग ड्रग्स को लेके हम लोग काम कर रहा है तो इसमें हम लोग का चैलेंजेस तो बहुत है लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को कॉपरेट कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट हम लोग को साथ दे रहा है और यहाँ में जितने भी हम लोग का एन जी ओस है और स्पेशली स्टूडेंट लोग यूथ लोग हम लोग को साथ दे रहा है तो इसलिए हम लोग भी सोचते हैं कि प्रॉब्लम तो है फिर भी हम लोग को चैलेंज फेस तो करना पड़ेगा और गवर्नमेंट जो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट हो वो भी हम लोग को काफ़ी मदद तो है हुँ. अभी तक जो कि हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है मेडिसिन और जो भी है आ, फूडिंग का भी वहीं से हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है हुँ. तो लास्ट में अब आप गवर्नमेंट के सामने आप क्या रखना चाहेंगे सर uh, वही है कि uh, गोविंद ये है जैसा कि अभी मुख्यमंत्री मन, नशा मुक्त योजना जो कि ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर रन कर रहा है तो इसमें देखा जाए तो गवर्नमेंट भी बहुत काफ़ी uh, सीरियस सीरियसली ले रहा है इस चीज़ को और लेना भी चाहिए क्योंकि अभी हम लोग देखा है कि uh, टू इंडिया में 272 डिस्ट्रिक्ट है जो कि अफेक्टेड है इंडिया में तो उसमें हम लोग का अरुणाचल भी शामिल है जैसा हम लोग का तीराप उसमें इंक्लूडेड है तो गवर्नमेंट का भी बहुत ही सीरियस सीरियसली इसको ले रहा है तो सिर्फ हम वही सोचते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट को हम, हम लोग एक्सपेक्ट करने से नहीं होता है या एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग का भी ड्यूटी है हम लोग का भी कुछ करना है एज सिटीजन और एज सोसाइटी में जो हम लोग बैठ रहा है लेकिन ग्रीवेंसेस यही है कि जैसा अभी थोड़ा पहले मैंने हॉनरेबल मिनिस्टर यहाँ में विजिट किया आलो लिबंग जी ने तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स रखा जैसा कि अभी हम लोग का यहाँ में जो तिरप है इसमें हम लोग का टेन बेडेड है तो टेन बेडेड को अगर हम लोग को ट्वेंटी बेडेड कर सकने से ठीक है क्योंकि पॉपुलेशन और जो हम लोग देखा जाए जो पीने वाला पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ में यूजर ज़्यादा है तो हम लोग वन टाइम में हम लोग टेन ही रख सकते हैं क्योंकि हम लोग का टेन बेडेड अलॉटेड है तिराप में देन हम हम मेरा ग्रेविंसेस है कि एस ए चेयरपर्सन और यहाँ का यहाँ का जो सोसाइटी का आदमी के हिसाब से कि हम लोग का ट्वेंटी बेडेड होने ट्वेंटी बेडेड होने से ठीक है देन हमने देखा है कि काफ़ी यहाँ में अभी आ, फीमेल फीमेल भी आ रहा है हम लोग काउंसिलिंग करके भेजता है क्योंकि उनको रखने का हम लोग का एकोमोडेशन नहीं है तो हो सके तो अगर नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में लेडीज़ के लिए भी अगर हो सके तो लेडीज़ के लिए भी रहने से ठीक है एकोमोडेट एकोमोडेशन के लिए वही मेरा ग्रीवेंसेस है यहाँ में हमको यहाँ का ये कैरमी होम वेलफेयर सोसाइटी का एन चेयरमैन उसने हमको खबर दिया गया था कि यहाँ में ऐसा ऐसा है आप लोग आइए अपना लाइफ जो चेंज कीजिए तो यहाँ में आपका सुधर हो सकता है सामने हैं क्योंकि दूसरा जो है कि बाहर में जा के तक छोड़ के आता है पर ये तो अपना इलाका है अपना जगह है तो सब फ्री होगा उनके तो इस तरह से हम आया सोचा सही में ये बात तो सही है क्योंकि मैं दो तीन बार तीन बार मैं डिब्रूगढ़ जा चुका था छोड़ के आया है पर उसमें लाइफ कैसे है अभी मेरा बहुत सुधार में आया है क्योंकि उस समय का और इस समय का जो है अंतर है बहुत फ़र्क है तो यहाँ में अभी देखिए कि छोटा से छोटा को याद मैंने महसूस हो रहा है छोटा से छोटा बात को लेके अभी याद में आ रहा है याद मैंने वापस आ रहा है तो इसके लिए अभी मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ अपना बीवी के लिए अपना परिवार बच्चा के लिए और खुद के लिए क्योंकि मैंने बहुत मजाक कर लिया दस साल मैंने लिया तो दस साल में मैंने अपना लाइफ बहुत खोया है तो इसके लिए अभी मैं सुधर में आके अच्छा काम करना चाहता हूँ अपना सोसाइटी के लिए अपना परिवार के लिए